हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। सफर चालू है हमारा अभी भी। एमबीज मैन केव के तीसरे साल का सफर हमने शुरू किया है और ये सफर हमें आज लेकर आया है रामपुर। बट डोंट वरी, इस रामपुर के सफर में किसी भी काले हिरणों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लास्ट वीक जो हमारा एनिवर्सरी वीक था, वो हमने सेलिब्रेट किया कुछ बेहतरीन लग्जरी विस्कीज के रिव्यू के साथ, रॉयल सैल्यूट एंड हेविकी हार्मनी। बट मैंने सोचा कि यार, सेलिब्रेशन को सिर्फ एक वीक में ही लिमिट रखना ये सही नहीं है, क्यों ना हम सेलिब्रेट करें पूरा महीना। तो इसीलिए इस पूरे महीने मैं आप ओगले लेकर आऊँगा कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स के रिव्यू, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसे आप एक प्रीमियम कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। सो रामपुर विस्की, जिसे कहा जा सकता है कि इंडिया की हिडन सिंगल मॉल्ट है। हिडन सिंगल मॉल्ट इसलिए क्योंकि इंडिया में मिलती नहीं है ये, ज़्यादातर हिडन ही रहती है वाइन शॉप से। बहुत मुश्किल से मुझे भी मिली है, बट जैसे ही दिखी मैंने सोचा कि यार ले लेना चाहिए इसको, बिकॉज इसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत टाइम से बेताब था। बट चलिए इसी की अनबॉक्सिंग करते हैं, बिकॉज आई थिंक इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही सुंदर सिल्क के पाउच में आती है, इवन जो बॉक्स है वो भी काफ़ी सुंदर है इसका। आई विल हैव टू से कि जो इसका पाउच है, जो सिल्क का पाउच है, काफ़ी सुंदर है। इट्स वेरी नाइस क्लासिक लुकिंग बॉटल। एक बेल शेप की बॉटल है, जैसे कि काफ़ी सारी बॉटल्स, काफ़ी विस्कीज होती हैं, जैसे कि शिवस रीगल, मंकी शोल्डर, कुछ कॉमन विस्कीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जिनकी शेप काफ़ी सिमिलर होती है। आई लाइक अ सिंपल डिज़ाइन एंड आई विल हैव टू से कि देखने में काफ़ी अच्छी है रामपुर, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। इवन जो टेक्सचर है लेबल पर काफ़ी अच्छा है। पर चलिए इसे थोड़ा सा पोर कर लेते हैं, बिकॉज एक नई बॉटल है और नई बॉटल को खुलने का थोड़ा मौका देना चाहिए। फॉइल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, आई विल हैव टू से, इतनी अच्छी है कि खुलना भी इतना आसान नहीं है। ऑलराइट, तैयार हैं आप वो आवाज़ सुनने के लिए? क्या बात है, आवाज़ इतनी धमाकेदार नहीं आई, बट फिर भी मज़ा तो आया। लेट्स पोर अ लिटिल बिट इन आवर ग्लास। सो रामपुर विस्की जो कि बनती है रामपुर डिस्टिलरी में, जो कि पड़ता है रामपुर में, और ये रामपुर डिस्टिलरी इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरी है। 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि जब शुरुआत हुई थी इस डिस्टिलरी की, उस टाइम पर ये अपनी खुद की कोई विस्की नहीं बनाते थे, अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, वो सिर्फ न्यूट्रल स्पिरिट बनाकर बेचते थे दूसरी और अल्कोहल कंपनीज को। 1972 में इसे खरीद लिया मिस्टर जी एन खेतान ने, जिसके बाद इसका नाम भी बदल के पड़ गया रेडिको खेतान। अब मिस्टर खेतान खुद ड्रिंक नहीं करते थे, तो उनका इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, इतना पैशन भी नहीं था कि इस डिस्टिलरी को आगे लेकर जाया जाए। बट उनके बेटे मिस्टर ललित खेतान और उसके बाद अभिषेक खेतान, दोनों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया कि इस डिस्टिलरी को आगे लेकर जाया जाए और खुद की अपनी ब्रांड्स को लॉन्च करा जाए। और 1999 में लॉन्च करी गई 8 PM विस्की, विच वॉज अ ह्यूज सक्सेस। आप लोग जानते ही हैं 8 PM विस्की के बारे में, चाहे प्राइस रेंज जितनी भी हो, बट आई वुड हैव टू से कि मासेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद और भी काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड्स आए रेडिको खेतान से, जैसे कि मैजिक मोमेंट्स वॉडका, विच इज़ प्रॉब्ली अ जायंट इन इंडियन वॉडका इंडस्ट्री, मॉर्फियस ब्रांडी एंड आफ्टर डार्क विस्की, और वहीं से आती है ये रामपुर विस्की। तो जी हाँ, जो कंपनी, जो हाउस 8 PM और आफ्टर डार्क विस्की बनाते हैं, वही बनाते हैं इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगल मॉल्ट कंसिडर करे जाने वाली विस्की, रामपुर विस्की। आई जस्ट होप कि जिस बंदे को उन्होंने 8 PM और आफ्टर डार्क ब्लेंड करने के लिए बिठाया हुआ है, उसी से ये रामपुर विस्की नहीं बनवाते। और दोस्तों, आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ शिवराज मात्रे जी को। शिवराज मात्रे जी एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और एक राइटर भी हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट। इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट के कंसेप्ट्स होते हैं कि किस स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, किस स्टॉक को बेचना चाहिए, जो जनरल स्ट्रैटेजीज हैं,
इस बुक से आप वो समझ सकते हैं। एक ई बुक है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है और बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम Amazon एंड डाउनलोड ऑन योर मोबाइल फोन एंड रीड इट एज पर योर कन्वीनियंस। सो चेक आउट द बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज अ सिंगल मॉल्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिंगल मॉल्ट यानी कि सिर्फ एक ही डिस्टिलरी में इसे बनाया गया है और सिर्फ मॉल्ट स्पिरिट का यूज करा गया है। मॉल्ट यानी कि बार्ले का यूज किया गया है, 6 row barley जो कि इंडिया में ही बनता है हिमालय रीजन के आसपास। एंड जो एजिंग है स्विस्की की वो 2 cask में करी गई है, इसीलिए स्विस्की का नाम है रामपुर डबल कास्क। कहा जाता है कि 2/3 जो एजिंग है स्विस्की की वो होती है अमेरिकन बर्बन कास्क में, जो कास्क पहले बर्बन विस्की को एज कराने के लिए यूज़ करे गए थे, और 1/3 जो लाइफ है वो यूज़ करी गई है इसकी शेरी कास्क में, यूरोपियन शेरी कास्क जिसमें शेरी वाइन एज करी गई थी। कितने साल के लिए एज कराया गया है इस विस्की को, दैट्स नॉट रियली क्लियर, एंड आई ऑनेस्टली फील कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अलग है स्कॉटिश क्लाइमेट से। तो अगर आप लिखेंगे अपनी विस्की के अंदर 4 साल तो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगेगा वो, बट दैट 4 years इन इंडिया मीन्स ऑलमोस्ट 15 years इन स्कॉटलैंड। बट एक चीज़ जान के आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, दैट देर इज़ नो आर्टिफिशियल कलरिंग एडेड इन दिस विस्की। अभी कलरिंग दिखाऊंगा आप लोगों को जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, बट बिकॉज देर इज़ नो कलर एडेड और आप जो कलर देख रहे हैं काफ़ी डीप गोल्डन कलर है इसका, सो दैट मीन्स कि वुड में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है इस विस्की ने। प्राइस है इस विस्की का ₹7500 फॉर अ बॉटल, 750 ml की बॉटल है ये, और 42.8% अल्कोहल परसेंटेज के साथ आती है, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव विस्की। हालांकि मैं अभी जज नहीं करूँगा इसके प्राइस के बारे में, कुछ बोलूँगा नहीं जब तक हम इसे टेस्ट नहीं करते। मैंने अभी तक ये विस्की टेस्ट नहीं करी है, आई हैव नेवर एवर टेस्टेड रामपुर, एंड आई एम एक्चुअली ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड। मैंने अपना जो जितनी भी परसेप्शन है सब क्लियर कर दी है, कुछ नहीं सोचना मैं, आई जस्ट होप कि एक अच्छी विस्की होगी बिकॉज आई वॉन्ट कि इंडिया से अच्छी सिंगल मॉल्ट्स निकल कर आए। बट विदाउट इवन टेस्टिंग मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो जो अवेलेबिलिटी का इशू है इंडिया में, दैट इज़ अ ह्यूज कंसर्न कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है ज़्यादातर जगहों पर। ये बहुत मुश्किल से मुझे ये विस्की यूपी में मिली है, नोएडा में एट अ ट्रस्टेड वाइन स्टोर, और मुझे वहाँ दिखी तो मैंने वहाँ से पिक करी। मुझे हालांकि मैंने 8500 रुपीज़ पे किए हैं इस बॉटल के, बट दिल्ली में 7500 है इसका प्राइस। बट द मेन प्रॉब्लम इसकी अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादातर जगहों पर, सो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड सेकेंड जो मेरी कंप्लेंट है इस विस्की से कि 7500 इफ इट्स अ गुड विस्की आई हैव नो प्रॉब्लम इन पेइंग। ज़्यादातर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं दे विल पे फॉर अ गुड सिंगल मॉल्ट, बट जहाँ ये जब ये विस्की बाहर जाती है USA में या दूसरी और मार्केट में, वहाँ पर ये विस्की सस्ती बिकती है, इट्स लेस देन 7500। तो बाहर जाके सस्ती बिक रही है और इंडिया में महंगी बिक रही है, वाई इज़ दैट? एक इंडियन प्रोडक्ट जिसके लिए इंडिया के लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए, अगर वो इंडिया के लोगों को ट्राई करने को ही ना मिले देन व्हाट इज़ द पॉइंट। आई रियली होप कि आने वाले टाइम में इसे इंडिया में वाइडली अवेलेबल कराया जाएगा। दे शुड लुक एट द प्राइस रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड द विस्की इज़, एटलीस्ट जिस प्राइस पर बाहर बेच रहे हैं उससे तो सस्ती होनी चाहिए इंडिया में, दैट्स माई 2 cents। बट अगेन रिगार्डलेस ऑफ कि अभी तक मैंने क्या बोला है, हम जो विस्की को जज करेंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट क्या ये अच्छी वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी कलर इसका डीप गोल्डन कलर है, देर इज़ नो आर्टिफिशियल कलरिंग विच इज़ अ गुड थिंग। चलिए नोजिंग करके देखते हैं। वेरी हनी, वेरी सिरपी, वेरी स्वीट ऑन द नोज, देर इज़ डेफिनेटली एक जो स्वीटनेस है इस विस्की की वो निकल कर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, आई मीन ऑलमोस्ट लाइक गुलाब जामुन की चाशनी सी आप नोज कर रहे हो। हल्का सा अल्कोहल का बर्न भी आ रहा है मुझे नोज पर, अ बिट ऑफ वुड, स्लाइटली पेपरी ऑन द नोज एज वेल, बट
आई वुड से कि डोमिनेंट जो नोट्स हैं इस विस्की के, दे आर क्वाइट स्वीट, क्वाइट फ्रूटी इनफैक्ट, काफ़ी प्लेजेंट है नोज पर. आई विल से दैट इट्स डिफिकल्ट टू फिगर आउट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस विस्की जस्ट थ्रू नोज, बट आई विल हैव टू से कि काफ़ी प्लेजेंट विस्की है, काफ़ी फ्रेंडली विस्की लग रही है मुझे नोज पर. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू नोज दिस विस्की. आई एम होपिंग कि टेस्ट के मामले में भी काफ़ी फ्रेंडली होगी. चलिए लेट्स गेट टू टेस्टिंग. एक्चुअली काफी ज्यादा स्वीट विस्की है एंड सेब का मुरब्बा जैसा होता है वैसा मुझे टेस्ट आ रहा है. वेरी नाइस, वेरी स्मूथ. यू कैन फील दो स्पाइसेस एट द बैक एंड. जो शुरुआत होती है उस विस्की की काफी स्वीट होती है. वेरी नाइस फ्री फ्लोइंग विस्की, बट धीरे धीरे जो स्पाइस की एक लेयर है वो आपके माउथ में एक कोटिंग बना लेती है. सो यू कैन फील दैट स्पाइसेस ऑन द सेकेंड एंड थर्ड सिप. काफ़ी अच्छे से इवॉल्व हो रही है विस्की. दैट स्वीटनेस फैक्टर इज स्टिल देयर, बट आई विल हैव टू से कि एक जो फिनिश है उसकी की काफ़ी देर तक चलती है. इट कीप्स इवॉल्विंग एंड आई थिंक हर बार जब आप एक सिप लेंगे इस विस्की का, इट विल टेक यू टू न्यू प्लेसेस. अगर मैं कंपेयर करूँ उस विस्की को, आई प्रॉब्ली से समथिंग सिमिलर टू अ पॉल जॉन क्रिसमस एडिशन. अगर आप किसी ने ट्राई करी है देन आई विल प्रॉब्ली से इसका टेस्ट काफ़ी हद तक मिलता जुलता है. शुरुआत होती है एक अच्छी स्वीट विस्की से जो आप सोचेंगे कि ये विस्की शायद बहुत ज़्यादा स्वीट होने जा रही है, बट धीरे धीरे स्पाइसीनेस जो है उसकी की वो अपनी पकड़ बनाती है और एक अच्छी कॉम्प्लेक्स लेयर बनाती है, एक अच्छा बैलेंस बना लेती है. एंड बिकॉज जो 6 रो बाले है इस विस्की में यूज़ करा गया है उसका अपना अलग से एक कैरेक्टर होता है. इट्स लॉट मोर, प्रोवाइड्स अ लॉट मोर फुलर बॉडी, एक अलग से स्पाइसीनेस लेकर आता है. अगर आपने पॉल जॉन विस्की या कामित ट्राई करी हो रिसेंटली या अमरुद ट्राई करी हो, दे ऑल यूज 6 रो बाले जो इंडिया में काफ़ी ईजिली उगता है. उसकी वजह से जो टेस्ट, जो कैरेक्टर आता है विस्की में, वो आपको डेफिनेटली इस विस्की से आ रहा है. सो एक जो आई वुड से कि जो 6 रो बाले इंडियन विस्कीज़ की एक पहचान बन गया है, एक स्टैम्प बन गया है, एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस विस्की. ओवरऑल आई विल से दैट इट्स अ प्रीटी गुड विस्की एंड थैंकफुली नाउ आई कैन से कि 4 अच्छी सिंगल मॉल्ट्स जो इंडिया से आ रही हैं, अमृत, पॉल जॉन, कामित एंड रामपुर. सोलन गोल्ड मैंने ट्राई नहीं करी अभी तक, मेरे पास पड़ी है बॉटल, आई रिव्यू इट सून. और पीटर स्कॉट भी आती है, वो भी मैंने ट्राई नहीं करी है सिंगल मॉल्ट. बट एटलीस्ट आई कैन से दैट देर आर 4 गुड सिंगल मॉल्ट्स जो इंडिया से आ रही हैं एंड आई एम ग्लैड दैट आई रिव्यूड इट. बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि क्या मैं इस विस्की की बॉटल को दोबारा खरीदूंगा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. As I said, I really love the taste. It is a nice whiskey. Almost khatam hi hone wali hai. And I would not mind tasting it again and again. However, I will say ki I have tried better whiskies than this. It's not the best whiskey that I've tried. Aur main expect bhi nahi kar raha tha ki best honi chahiye. As long as it's a good whiskey, that's what counts. And it is definitely a very good whiskey. I will probably give it 9.4 आउट ऑफ 10 अगर हम बात करें टेस्ट की. अब बात आती है वैल्यू फॉर मनी की और वहीं पर मैं, मेरा सर्च करा जाता है इस विस्की के बारे में सोच सोच के कि वाई आर दे सेलिंग इट फॉर 7500 रुपीज़. नो मैटर आपकी विस्की कितनी भी अच्छी हो, सेलिंग इट फॉर 7500 विदाउट हैविंग एनीथिंग एल्स यू नो टू डिफेंड दैट प्राइस टैग. और भी कंपनीज है, अमृत है, पॉल जॉन है, वो भी दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर विस्कीज एट द सिमिलर प्राइस रेंज. उनकी भी कुछ विस्कीज़ हैं जो काफ़ी महंगी हैं. पॉल जॉन की मिथुना इज फॉर 20,000 रुपीज़. अमृत की भी कुछ विस्कीज़ हैं जो 15,000-20,000 तक की भी आती हैं. बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव विस्कीज़ इन द प्राइस रेंज कि लोग उस प्राइस, उस विस्की को खरीद के ट्राई कर सकते हैं. देन दे कैन एटलीस्ट हैव सम कॉन्फिडेंस इन दोज कंपनीज
जिसके बाद ही वो थोड़ी एक्सपेंसिव विस्कीज खरीदना पसंद करेंगे। उसके लिए बिफिल्डरिंग की वाई आर दे नॉट लॉन्चिंग विस्की एट अ लेसर प्राइस पॉइंट, चाहे सेम विस्की ना लॉन्च करें, दे कैन लॉन्च अ डिफरेंट वेरिएंट, बट एटलीस्ट एक ऐसा वेरिएंट जिसके बाद लोग कह सकते हैं कि हाँ यार रामपुर की ये वाली विस्की अच्छी है, चलो अब डबल कास्ट ट्राई करते हैं, थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा और खर्च करके और अच्छी विस्की ट्राई करते हैं, बट नो। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने बताया आप लोगों को दैट इट्स सोल्ड एट लेस प्राइस ओवरसीज। यूएसए में आप जाएंगे या दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये विस्की सस्ती मिल जाएगी, इंडिया में महंगी है। आई डोंट नो वाई, अमृत या दूसरी कंपनीज भी जो है उनकी विस्कीज भी ज़्यादा महंगी नहीं होती है बाहर, बट दे आर ऑल्सो सोल्ड इन इंडिया एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस। बट आई डोंट नो कि क्या क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। मे बी देर इज अ रीजन, देर इज अ लॉजिक जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ। एंड थर्ड पॉइंट, इज दिस विस्की रियली रियली वर्थ 7500 रुपीज? आई विल हैव टू से नो, इट्स नॉट। इट्स अ गुड विस्की, इट्स अ ग्रेट विस्की, बट इट्स नॉट 7500 वाली ग्रेट विस्की। आई वुड पर्सनली पे मैक्सिमम 5500 फॉर दिस विस्की। I think that's the max I can go, and I think that's what they should charge. So isliye I will give it 7 out of 10 for value for money. I wish I gave more. Agar aapko lagta hai ki main thoda zyada kam zyada marks kaat liye to mujhe bataiye comments mein, but I feel that 7 out of 10 is still a lenient score for value for money. So iska MB's man cave score hota hai 8.2 out of 10। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है ट्राई करने का, आई विल प्रॉब्ली से कि जाइए अपने दोस्तों के साथ मिलके, 10-12 दोस्त मिलके एक बॉटल ले आइए, अगर मिले तो, अगर आप ढूंढ पाए ऐसे तो, क्योंकि पहली बात तो ढूंढना इतना मुश्किल है। बट मुझे बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers।